मिस्टर मैक्स, प्लीज हैव अ सीट, ही विल बी हियर इन 5 मिनट्स। थैंक यू। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, तमीज से बात कर। तूने बच्चे पैदा किए तो मेरे पहचान कर रही है, उसमें मेरा हाथ नहीं था। मैं तेरे को बोला ना, ऑफिस से फोन मत कर, ऑफिस में मेरी इज्जत है, समझी? बच्चे पैदा कर लिए तो मेरे बगैर बच्चे पैदा हो सकते? मेरे बाप को बोलेगी, अरे बीवी हो तो बीवी की तरह रहो। शट अप। बोलो। देखिए, हमें शादी करनी है। अरे आजकल लड़का लड़का लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, आप दोनों को हुआ क्या? कौन सा कीड़ा काट रहा है? मैं तो कहता हूँ शादी करके बीवी लाने के बजाय, बुरा नहीं मानना, शादी करके बीवी लाने के बजाय मोबाइल लीजिए, मोबाइल खरीदिए। एक मोबाइल से बात करो, दूसरा मोबाइल नाराज नहीं होता है, समझे कि नहीं? बुरा नहीं मानना जी, इसको साइलेंट पर रख सकते हैं मगर बीवी को कहाँ रखेंगे? इसका रिंग टोन चेंज कर सकते हैं आप। मैं बोलता हूँ बहन जी, बुरा नहीं मानना, इसका तो एक ही टोन है बीवी का। माफ करना बहन, बीवी हाथ में नहीं आती है, ये मुट्ठी में आ जाता है, जेब में भी रख सकते हैं इसको। मैं तो कहता हूँ इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पुराना देके नया ले सकते हैं। ये तो वही पुरानी, कब तक चलाएंगे इसको? बुरा ना माने बहन जी, बीवी चिंगम की तरह होता है, बीवी चिंगम की तरह होता है। थैंक यू। हाँ, शुरू शुरू में मीठा लगता है, उसके बाद चबाते रहो, चबर 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 चबर। अगर आपको भी चबाना है जिंदगी भर तो फॉर्म भरिए, मैं साइन कर देता हूँ। मैं आरडी, आरडी बर्मन, म्यूजिक डायरेक्टर। अरे मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका म्यूजिक सुन सुन के तो मैं जिंदा हूँ, वरना कब का मर गया होता है। आरडी साहब, मैं वो आरडी नहीं हूँ। आरडी का मतलब है रॉबर्ट डिकोस्टा, इंस्पेक्टर रॉबर्ट डिकोस्टा। इंस्पेक्ट, मेरी बीवी ने भेजा है। ठीक है साहब, हमारा खाली मुंह का झगड़ा है, फाइट नहीं है। मैं को क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ। क्या कभी कभी गलत फहमी हो जाती है कि मैं यहाँ केस के सिलसिले में आया हूँ? दूसरे केस के सिलसिले में? अच्छा, और आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ओके, तस्वीर दिखाना। ये सर पे सैंडल लिए, एक मिनट, उल्टा पकड़ा। इसे पहचानते हो? यस, ये कुछ दिन पहले मेरे पास शादी करने आई थी। इस लड़के के साथ आई थी? नहीं नहीं नहीं, ये तो शरीफ लगता है साहब, लेकिन जिस लड़के से इसकी शादी हुई ना, वो लड़का बहुत गुस्से वाला था, उसने मेरे फोटोग्राफर को मारा, कैमरा छीन के कैमरा तोड़ दिया, वेरी बैड। लड़का दिखने में कैसा था? हाँ, दिखने में तो दो पैर, दो कान, दो आंख और एक ही नाक था, और बिल्कुल आदमी जैसे लग रहा था, झूठ के बोलूं साहब। तुम्हें हमारे साथ डर्बन चलना पड़ेगा, वो हमारे डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट तुम्हारे डिस्क्रिप्शन से उसका स्केच बनाएंगे। आने में तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, लेकिन स्केच ही बनाना है तो मेरे पास उसका फोटो है। हा? आप फोटो देके स्केच बनाइए ना। क्या तुम्हारे पास उसका फोटो है? यस यस, हमारे पास जो भी पंगे वाले आते हैं ना, गुप्त कैमरे से हम उनका फोटो निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया, ये रहा। सर, ये तो राजीव है, लेकिन सोफिया ने तो कहा था कि उसने रणवीर के साथ शादी की थी। इसने तो बिना मुंह मारे फल खाने का फंडा ढूंढ निकाला है। अरे तो कुछ भी नहीं है, मेरी बीवी तो बगैर मुंह मारे ऐसी ऐसी चीजें खाती है, मेरे को देख लीजिए ना, 6 फीट का था, 5 फीट का हो गया हूँ। थैंक यू मैक्स, टेक केयर ऑफ योर वाइफ। वेलकम। बुरा नहीं माने बहन जी। ऐसे क्यों देख रहे हो? मिनी, मैं तुम्हें कैसा लगता? जीनियस सर। यार, अरे यार, ये तो मुझे मालूम है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, जो चीज मुझे मालूम है उसे बार बार मत दोहराओ। आई फील एम्बैरस्ड यार। कुछ और कहो। सर, मैं एक बात पूछूं? हाँ, पूछो पूछो। सर, वो मैरिज सर्टिफिकेट पर इनका डिफरेंस आपको पता चला, मुझे नहीं। मेरा दिमाग आपकी तरह शार्प क्यों नहीं है सर? इसलिए मिनी कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप बार बार बोल दो कि मेरा प्रॉब्लम है, आज आप बता ही दो कि मेरा प्रॉब्लम है क्या। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सर, बॉयफ्रेंड कैसे होगा, मैं तो सारा दिन आपके साथ ही रहती हूँ। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम लाइफ की सिल्वर जुबली क्रॉस कर चुकी हो और अब तक ना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारी शादी हुई है। सर, शादी तो आपकी भी नहीं हुई। हाँ हाँ, लेकिन मैं दूसरों की बारात में बहुत नाचा हूँ। देखो मिनी, बॉडी को सिर्फ अनाज की भूख नहीं होती, कई भूख होती, जिसके ना मिटने पर बॉडी में फ्रस्ट्रेशन होती और काम में कंसंट्रेशन नहीं रहता। मैं समझी नहीं।
देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थियरी में समझाई नहीं जाती, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। चलो अंदर चलो, मैं बताता हूँ। कम समझ लो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे पास आता है, तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। सर लेफ्ट साइड की राइट साइड? यार तुम आओ तो सही, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फिर वो तुम्हारे गालों को किस करता है? सर लेफ्ट साइड की राइट साइड? कोई भी साइड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। फिर वो तुम्हारे होठों को किस करता है? सर यहाँ लेफ्ट राइट तो है नहीं, तो हमें यहीं रुक जाना चाहिए ना? क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं? सर वो बात नहीं है, मैं आपको भगवान की तरह चाहती हूँ। Now that's a new one। और भगवान की पूजा की जाती है, प्यार नहीं। Right sir, bye। Idiot। अब इसे कौन समझाए कि ये भगवान अपने भक्त से गले मिलना चाहता है? भाई आप उनका दिल क्या सॉलिड धक धक करेला है, एकदम फटे लिया है। लेकिन सच बोलूं भाई, मजा भी बहुत आ रहा है। कुन्नू, जिस चीज में फटे और मजा भी आए, समझ लेना कि वो बहुत डेंजर चीज है। अच्छा भाई वो रिवॉल्वर है ना? नहीं, हथौड़ा है। भाई गैंगस्टर बनेगा तू? भाई साहब, भाई बनेगा तू? भाई क्या है ये? एक टुकड़ा भाई साला, अब उनके जैसे बनने का तेरे को? साला अब उनको खुद अपन के जैसे नहीं बनने का, पर तेरे को बनने का है। भाई भाई आज के बाद अभी से ये सब नाटक बंद। कोई इज्जत का नौकरी करेगा तो समझा, नहीं तो फोड़ डालेगा मैं। देखो नू, इस लाइन में ना साला ये लाइफ लाइन एकदम कट जाता है। बोलने को तो सब भाई है यहाँ, लेकिन असल में कोई भाई नहीं है, समझा? समझा तू? आज के बाद अपन तो अल्ताफ भाई के वहां जाएंगा नहीं, लेकिन अगर अपन को पता चला कि साला तू वहां गया था ना, तो मां कसम कुन्नू, तू तो गया। नहीं भाई। गया क्या?